आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम बात कर रहे हैं तीसरा ऑब्जेक्ट के बारे में, रेंज ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, जो पहला था वर्कबुक, दूसरा था वर्कशीट, और मेरे हिसाब से दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? कोई डाउट आप लोगों को? अब बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट, मतलब कि रेंज के बारे में। देखिए, रेंज का ऑब्जेक्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो बेसिकली हम जो कुछ भी करते हैं एक्सेल पे, चाहे वो डेटा टाइप करना हुआ, फॉर्मूला लगाना हुआ, चार्ट लगाना हुआ, पिवट लगाना हुआ, फिल्टर लगाना हुआ, एनीथिंग, वो हम कहां पे करते हैं? हम करते हैं एक रेंज पे, एक एरिया पे। तो हमारा सबसे ज्यादा यूज जो है रेंज ऑब्जेक्ट का होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा काम जो है रेंज ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ठीक है? तो पहले हम रेंज के बारे में समझते हैं। तो जैसे रेंज को कॉल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है यहाँ पे कि रेंज ब्रैकेट हमने ओपन किया, और यहाँ पे हमने A1 लिख के यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर तो एक, लेकिन एक सिंगल से लिखने का तरीका ये है कि A1.select या एक्टिवेट। एक्टिवेट अगर आप करते हैं तो एक सिंगल सेल एक्टिवेट होता है, और सिलेक्ट करते हैं तो मोर वन सेल एंड मोर देन वन सेल का अलाउ होता है। मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना है, इसलिए मुझे सिलेक्ट करना है A1 से A10। तो यहां पे हमने लिखा A1 से A10.select, सॉरी इन्वर्टर कमांड छूट गया। यहां पे ए पूरी कॉलन हो गई, और A1 से एक नंबर कम हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं A1 से A10। तो इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। लेकिन बात हुई कि ये जो सिलेक्शन है, ये आपकी एक्टिव सेल में वर्क करेगी, जो आपका एक्टिव सीट है, माफ कीजिएगा, आपका जो एक्टिव सीट है उस पर वर्क करेगी। किसी और सेल पे? हाँ शाला जी, शाला जी फोन कर रहे हैं आप मुझे? हेलो ओके तो यहाँ पे रेंज A1 से A10 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो देख रहे हैं। तो मान लीजिए दूसरे किसी सीट पे आपको करना हुआ कि मुझे अगर दूसरे किसी सीट के ऊपर कैसे करेंगे, चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो डेटा है, ये आपका दूसरे सीट पे, सीट टू पे है, मुझे सीट टू के रेंज A1 पे जाना है। तो उसके लिए आप यहां लिखेंगे कि रेंज A1.select, लेकिन ये तो एक्टिव सीट होगा, तो इसके लिए आप इससे पीछे आपको सीट्स का देना पड़ेगा कि सीट्स C2.select, ठीक है? तो ए आपका सीट टू के पहले सीट टू को एक्टिवेट करेगा, देन रेंज A1 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है? लेकिन ऐसे ही हमारी हुई कि अनोदर फाइल की हम बात करें, तो इससे ऊपर आपका वो फाइल एक्टिवेट करना पड़ेगा कि वर्क, यहां पे वर्क बुक्स, और यहां पे हम करेंगे बुक
वन डॉट एक्सेलेस एक्स डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, माफ कीजिए सिलेक्ट नहीं होगा एक्टिवेट होगा। अगर वर्कबुक ओपन नहीं है तो फिर आपको वर्कबुक ओपन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन की बात आती है। हेलो, हाँ बोलिए सर, ये जो वर्कबुक है तो पहले ओपन करनी पड़ेगी फाइल या फिर उसको बैकएंड से ओपन करना पड़ेगा? नहीं, पहले ओपन करनी पड़ेगी। आपको कोड से ओपन कीजिए चाहे नॉर्मल ओपन कीजिए, फाइल ओपन होनी चाहिए। सर इसका डायनेमिक बना सकते कुछ? हाँ बनाएंगे आगे। क्या डायनेमिक बनाना है इसमें? जैसे कि हमने अभी सिलेक्ट रेंज करा है, अगर इसको डायनेमिक बनाना हो तो जैसे कि हमें तो वो ना देना हो डायरेक्ट, हम इसको डायनेमिक से उठाते जैसे एक्सेल से उठाते थे पहले। आप डायनेमिक में क्या चाहते हो बता दो सही। जैसे ये सर आपने शीट टू है, हमें ये शीट टू नहीं देनी है। शीट टू नहीं दोगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि शीट टू से डेटा लेना है? सर वो काउंट से भी तो निकालते थे पहले। सर वो मतलब ऐड करने के लिए कह रहे हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि जो शीट है, जो कल मैंने बताया था कि सीट का जो मेथड है वो कोई देना पड़ेगा आपको, चाहे सीट नेम दीजिए या प्रॉपर्टी नेम दीजिए या सीक्वेंस नंबर दीजिए, देना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। क्या सुजीत जी, मैं बोल रहा था कि ये जो आप वर्कबुक जो बुक वन है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बुक वन है, पर हमें पता नहीं है ये शीट के बारे में। ये शीट टू जो है हमें पता नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही शीट ओपन है। हाँ तो मैंने आपको ये तो बोला, कल की क्लास आपने ध्यान से नहीं देखा था, हमने आपको यहाँ पे सीक्वेंस में बताया था ना कि एक ही शीट है तो यहाँ पे हम वन दे देंगे या एक्टिव शीट है, एक ही शीट है तो वही शीट एक्टिवेट होगी फिर। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक शीट है पर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करते जाए और मुझे मल्टीपल शीट बनते जाता है अगर, तो उसका शीट का नाम भी चेंज हो जाए और वो रेंज भी पेस्ट हो जाए सब शीट में। तो यही होगा, नंबर से चलना पड़ेगा ना, सीट नेम नहीं तो आपको नंबर देना पड़ेगा 1 2 3 4 5, आगे चल के इसका लूप इस्तेमाल होगा, लूप में डालेंगे इसको आप। अभी तो हेलो, हाँ सर अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो रेंज ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अभी तो ये जो बात कर रहे हैं वो फॉरवर्ड भी बात कर रहे हैं, अभी तो फिर स्टार्टिंग पहले मैनुअल सिलेक्शन देखिए उसके बाद ऑटोमेशन कीजिएगा ना, फिर मैनुअल इसके बाद डायनेमिक करेंगे ना। मेरे को क्वेश्चन भी कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो सर अब स्टार्ट कीजिए सर। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन, जैसे मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है तो इस एरिया को कैसे सिलेक्ट करो। तो मैनुअल सिलेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे नॉर्मली हम किसी फॉर्मूले में लिख देते हैं कि जैसे फॉर्मूला हम देते हैं ना यहाँ पे कि रेंज A1 से लेके आपका F11 तक, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको A1 से लेके F11 लिखना पड़ेगा डॉट सेलेक्ट। और जैसे एक चीज और समझ लीजिए कि हम रेंज A1 डॉट सेलेक्ट लिखते हैं, एक और तरीका है रेंज का, वो है सेल, कि सेल 1,1 मेरे पहला रो एंड पहला कॉलम डॉट सेलेक्ट। उसके बाद हमारे पास दो और है कि एक्टिव सेल और दूसरा है सिलेक्शन, ये ऑटोमेशन ऑटोमेटेड होता है। जैसे एक्टिव सेल जहां जहां पे कर्सर है, और सिलेक्शन मतलब कि जो एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इसको सिलेक्शन समझ लेगा। तो सिलेक्शन करोगे तो जो एरिया माइक्रो रन करने से पहले सिलेक्ट होगा उसी को रेफर करेगा। तो रेंज में हमारा ये तरीका एक है, मैनुअल तरीका है। दूसरा अगर हम वीवीए का तरीका देखें, तो आपका एक्सेल का तरीका है, वीवीए का तरीका देखें तो वीवीए कहता है यहां पे कि A1 यहां पे A1, F11, ठीक है, A1 F11 डॉट सेलेक्ट। ये क्या मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब कि क्या करेगा वीवीए कि डेटा की पहली सीट को सिलेक्ट करेगा और शिफ्ट के साथ वो सबसे लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। पहले को सिलेक्ट किया,
शिफ्ट दबाया और सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? लेकिन ऑटोमेटिक सिलेक्शन की क्या बात करते हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कैसे करेंगे? जैसे कि मैं यहां पे कंट्रोल ए करता हूं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, तो वीवीए में कंट्रोल ए कैसे होगा? तो यहां पे लिखेंगे हम रेंज A1 डॉट माफ कीजिएगा इसमें होगा डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, तो पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन करेंट रीजन में दिक्कत क्या है कि अगर इस तरह से अगर कोई ब्लैंक हुआ तो फिर ये उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। कर लिया सिलेक्ट, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ये शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें। तो उसको करने से पहले इस चीज को जानिए कि कर्सर को मूव कैसे करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो करता हूं तो राइट में चला जाता है, डाउन एरो करता हूं तो डाउन में चला जाता है, लेफ्ट अप, दिख रहा है आपको कर्सर सबसे लास्ट में चला जाता है। तो कर्सर सबसे लास्ट में कैसे ले जाएंगे, कोई मेथड पहले सीखी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रेंज A1 डॉट एंड, और अगर आपको यहाँ पे डाउन में नीचे ले जाना तो डाउन होगा, लेफ्ट ले जाना तो लेफ्ट होगा, राइट ले जाना तो राइट होगा, अप ले जाना तो अप होगा। मैं डाउन किया और यहाँ किया डॉट सेलेक्ट, ये क्या करेगा कि यहाँ A1 पे कर्सर रखेगा और कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेगा और कर्सर सबसे नीचे आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट डाउन किया तो इस तरह से लास्ट में ले जाएगा कर्सर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि अगर बीच में कोई लेटर हमने ब्लैंक कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जब ड्रैग करेंगे तो यही पे कर्सर मेरा रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटा सा दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम यहां नीचे से ऊपर जाएंगे, इसका सॉल्यूशन है कि नीचे से ऊपर जाना। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि रेंज A65000 डॉट एंड एक्सल अप डॉट सेलेक्ट, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ कर्सर ले जाना चाहते हैं, हम ले जाना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन आ रहे ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कोड क्या होगा, यहां लिखेंगे कि रेंज A1 स्टार्टिंग हो गया और एंडिंग, में इस मेथड को फॉलो करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग हमारा A1 हो गया और एंडिंग में हम यहाँ पे एक और कोड को कंबाइन कर देते हैं कि रेंज A1 डॉट एंड एक्सल टू राइट डॉट सेलेक्ट। तो ये कोड क्या करेगा, ये कोड करेगा आपका कि ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको यहां तक लाएगा इस तरह से। अब मुझे इसी सिलेक्शन को नीचे की तरफ लेके आना है, तो इसके लिए कोड इसी ए लाइन के नीचे एक लाइन और लिखना पड़ेगा रेंज, ठीक है, और रेंज में हमारा सिलेक्शन स्टार्टिंग होगा और हमने लिख दिया सिलेक्शन डॉट एंड और यहां पे एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो दोनों कोड इकट्ठे लिखेंगे तो क्या होगा,
फिर इसको इसको इस तरह से होगा। लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए यहां भी ब्लैंक है और यहां भी ब्लैंक है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहां पे है कि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे लिखेंगे R इक्वल टू R में C, C इक्वल टू रेंज, यहां पे देंगे X F T 1 डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट। टू लेफ्ट डॉट कॉलम, ये क्या करेगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा, एक्स एफ डी वन मतलब कि सबसे लास्ट कॉलम, उस लास्ट कॉलम से फिर वापस जो है कंट्रोल के साथ और राइट एरो प्रेस करके या नीचे की तरफ आएगा। आया? और इसकी जो कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर कहां सेव कर देगा, सी के ऊपर। और सेम हम आर इक्वल टू लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे कि सेल, सेल में हमारा 65,000 रो है और कॉलम हमारा सी है, और यहां पे डॉट एंड एक्सल अप डॉट रो। अब मेरे पास रो एंड कॉलम हो गया, फिर मैं सिलेक्शन करने के लिए लिखूंगा रेंज, ए वन हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन के लिए हमने दे दिया सेल्स, और सेल्स में बोला कि भाई आर कॉल रो है और सी कॉलम है, एंड यहां पे डॉट सिलेक्ट। तो ये आपका सिलेक्शन का हो गया। डाउट इसमें आप लोगों को, किसी को डाउट नहीं सर? डाउट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चलेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस रात ही करना पड़ेगा। कोई डाउट है आपको? तानवी जी कोई डाउट? चलिए, ये तो हमारा हो गया रेंज सिलेक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री की, ये भी जरूरी चीज, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर सेल पे हम डेटा कैसे एंट्री करेंगे, इसके बारे में भी आप एक बार जान लीजिए। अब यहां पे देखिए डेटा एंट्री करने का तरीका है कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने दे दिया यहां पे रवि, तो हमने टेक्स है इसलिए हमने नंबर में लिखा, इन्वर्टर कॉमा में लिखा, अगर नंबर होता तो हमें इन्वर्टर कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब बात यहां पे ये आता है कि अगर किसी और सीट में हुआ तो किसी और सीट में हुआ तो एक दो तरीके है। पहला तरीका है कि आप वहां पे सीट को आप एक्टिवेट करो कि सीट वन या जो भी सीट का मेथड है उस सीट का मेथड इस्तेमाल करोगे एज पर सिचुएशन डॉट सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे इस वैल्यू को आप लिखोगे। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे सीट्स और यहाँ पे सीट वन इस तरह से भी लिख सकता, ठीक है, डायरेक्टली। और अगर किसी अदर फाइल में है, अगर वो फाइल ओपन है तो आपको यहां पे लिखने का तरीका है कि वर्क बुक बुक्स, और यहां पे अपने वर्कबुक का नाम डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई,
याद रखिएगा कि अगर आपका कोड में प्रॉब्लम होगा तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, इसलिए हमेशा क्या तो कैपिटल लेटर में लिखे या फिर आप स्मॉल लेटर में लिखे। तो ये आ गया वर्कबुक और हम इसको डाल देते, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज क्वेश्चन और उठता है कि मुझे हमारे जो डेटा है, इस डेटा के डेटा जो है, जो हमारा डेटा था अभी यहाँ पे, मुझे इस कॉलम के सबसे लास्ट में डेटा एंट्री करनी है, यहाँ नेक्स्ट लास्ट ब्लैंक रो। तो सबसे पहले लास्ट ब्लैंक रो पे कर्सर कैसे जाएगा इसके बारे में हम जानेंगे। यहां लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट एंड और यहां एक्सल डाउन डॉट ऑफसेट और यहां पे 1,0 मतलब कि एक रो और सेम कॉलम के लिए जीरो डाल दिया, देन डॉट वैल्यू और इक्वल टू होगा यहां पे रवि या जो भी नाम आप देना चाहते हैं। सर ये वाला थोड़ा ये कैसे काम करेगा, ये डायरेक्ट नीचे आएगा या कॉलम ऑफसेट, ये कैसे करेगा स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले आप एंड का मेथड तो समझते ही है ना, यहाँ तक तो आपको पता होगा जो भी समझाया मैंने। राइट राइट। ये क्या करता है, जहां पे कर्सर रुकेगा, ऑफसेट क्या करता है, जहां पे कर्सर है वहां से रो एंड कॉलम को इंक्रीज करता है, मूव करता है। इसमें जीरो रो मतलब कि जीरो कॉलम मतलब कि कॉलम मूव नहीं करना है, एक रो तो एक क्या करेगा कि कर्सर यहां पे होगा, यहां से कर्सर को नीचे यहां ला देगा, समझे। जो एंड वाला मेथड है वो तो यहां तक लाएगा और ऑफसेट इससे आगे यहां लाएगा। जी, लेफ्ट राइट अप डाउन सब इसी, हाँ सब इसी में कर्सर वर्क करेगा, ठीक है। हेलो, अगर बीच में कोई ब्लैंक हुआ तो क्या होगा, बीच में ब्लैंक हुआ तो फिर हमें कोड को चेंज करना पड़ेगा। क्लास ले रहे हैं, क्लास कॉल फोन करते हैं आपको। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि रेंज A65000 XLS up dot offset। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी रो अगर ब्लैंक हुआ इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज क्यों आ रही है? सर अभी क्लियर है? आप क्लियर है? हेलो, क्लियर है, बोलिए। सर ये 65,000 से ऊपर आएगा उसके बाद क्या करेगा ये? फिर ऊपर से नीचे, ये तो ब्लैंक ही है। ये क्या करेगा कि यहाँ से नीचे जब हम कंट्रोल के साथ जब अप होगा तो सबसे लास्ट फिल वैल्यू पे आएगा, ब्लैंक को स्किप करके लास्ट फिल आएगा, उससे एक एक फिर ऑफसेट उसको एक नीचे कर देगा, क्योंकि हमें लास्ट ब्लैंक चाहिए ना। हाँ जी, ठीक है। और डाउट है सुजीत जी? ये तो एक एक रो आप करके एक नीचे कर देगा, राइट? लेकिन वैसे ही लेफ्ट राइट भी, हाँ सब ऐसे ही करेगा,
तरह से करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन सब ऐसे ही करेगा। अब एक बार ट्राई करके देखिए, अगर दिक्कत होगा तो फिर हम आगे आपको स्क्रीन कर, ठीक है। ठीक है, तो मैं आज की जो एक कोडिंग है आप लोगों को भेज देता हूँ, ताकि आप लोग इसको रेफरेंस में ले सके, और रिकॉर्डिंग भी डाल देता हूँ। और आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वरना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला कल की क्लास जो है इसी से लिंक्ड है, तो आज की क्लास की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कल की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सुजीत जी, एक क्वेश्चन है। एक्चुअली आपने जो रिकॉर्डिंग्स दी है उसमें वॉइस नहीं है, मतलब जो अपने मेगा ड्राइव में डाली है, और कल भी जो मैंने वेब मतलब लैपटॉप से किया था तो उसमें वीडियो दिख रहा है बट उसमें रिकॉर्डिंग आवाज नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए जूम जॉब से जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें ऑडियो साउंड भी होता है, वीडियो साउंड भी होता है, तो वीडियो चलता है उसमें। आपने पूरा फोल्डर डाउनलोड किया है कि नहीं किया है? हेलो, आपने पूरा फोल्डर डाउनलोड किया है? आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा, इसमें आपका यहाँ पे ओपन विथ, हाँ हाँ पूरा फोल्डर डाउन किया, और इवन कल मैंने हाँ हाँ पूरा फोल्डर डाउनलोड किया है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। कल के दिन मैं डेट चेंज करता हूँ, मान लीजिए चेंज करता हूँ डेट को। आवाज तो आ रही है मैम? जी मेरे इसमें वीडियो दिख रहा है, आवाज नहीं है। तो सबको प्रॉब्लम हुई है, किसी की प्रॉब्लम हुई है? अरे बस तो मेरे भी यही प्रॉब्लम है। अरे एक काम कीजिएगा, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार सिस्टम पे जाके, यहाँ से इंटरनेट से। हो सकता है कोई कोडेक मिसिंग हो, इस कारण से ना अपलोड हो रहा, ना डाउनलोड हो रहा, ये लेना हो रहा। क्योंकि तो अभी तक आप लोगों ने पहली बार की, उससे पहले बाकी लोगों ने ऐसी कुछ नहीं बोला है। मैं एक बार बाकी से पूछ लेता हूँ ना, तो फिर मैं रिकॉर्डर चेंज कर। जूम ऐप जो है वो सिस्टम पे डाउनलोड करना है ना? हाँ सिस्टम पे डाउनलोड करके देखिए। जो अच्छा वीडियो क्या सिस्टम पे प्लेयर कर रहे हैं कि आप इसमें मोबाइल पे प्लेयर कर रहे हैं? सिस्टम पे। एक बार ऐप डाउनलोड करके इसको देखिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ सर, वीलुक हमने किया था ना, जब हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वीलुक से, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक अगर उसमें डाटा कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ तो वो बाउंड्री उसके बॉर्डर लग जाए, अगर डाटा नहीं आता किसी क्राइटेरिया के साथ वीलुकअप की जगह पे आप काउंटी भी इस्तेमाल कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में काउंटी भी इस्तेमाल करें, कंडीशन काउंटी इफ इस्तेमाल करें और ग्रेटर देन जीरो कर दें। सर ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो बॉर्डर लग गया, लेकिन उसको डायनामिक कैसे करना है अगर डाटा नहीं आता? डाटा जीरो काउंट इफ जीरो आता है देन बॉर्डर हट जाए, बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग यही तो काम है कि कंडीशन तो फॉर्मेटिंग नहीं, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग तो पहले था, हो जाएगा। ठीक है सुजीत जी, मैंने आपको एक
फाइल भेजा था उसको देखा आपने क्या? देखा है, मैं उसमें बैठ के इकट्ठा काम करके फिर आपको रिप्लाई करता हूँ सर। 3-4 फाइलें हैं, उसमें टाइम लगेगा सर, उसमें तो 1-2 घंटे लगेंगे सर। नहीं, मेरे इसमें तो सिर्फ एक लूप है, लूप का ही है आपको ना, और तो आप रिसर्च करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं होगा सर। कॉपी पेस्ट का लूप है सर, तो रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। डेटा ऑलमोस्ट हो गया था, सिर्फ एक डेटा जो है आपका वो फिक्स नहीं है ना, इसलिए फिक्स है लेटर, डेटा फिक्स है, आपने देखा नहीं शायद से। नहीं देखा है मैंने डेटा, जैसे कि उसकी जो कॉलम, माने कि कॉलम है उसमें नॉर्मल डायनेमिक नॉर्मल फिल लगेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कल दो बार करके मैंने डेटा फिक्स कर रखा है, कल दो बार देता हूँ था इसके लिए, टाइम देना पड़ेगा उसके लिए सर।